तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो में गाइस पूरा आईडी टूर तुमको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ अपने न्यू बीजीएमआई इन्वेंट्री का। तो थोड़े दिनों पहले ही मैं ऑन स्ट्रीम पे खेलना स्टार्ट कर दिया हूँ इस आईडी से, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे तुमको मैंने दिखाई नहीं थी ऑन स्ट्रीम पे। तो आज के इस वीडियो में तुमको पूरा डिटेल में यहाँ पे आईडी का टूर मिलने वाला है। सो पूरा वीडियो देखते रहना। एंड हाँ, यहाँ पे आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ना इस इन्वेंट्री में वीडियो में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे आउटफिट से, फिर उसके बाद देखेंगे गन स्किन्स एंड फिर व्हीकल की स्किन्स। तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आउटफिट्स वाले सेक्शन में हम आते हैं एक्सूट वाले सेक्शन में। तो एक्सूट में यहाँ पे आईडी में टोटल ना 5 एक्सूट्स है गाइस। 5 एक्सूट्स में से फर्स्ट वाला जो है वो है इग्निस एक्सूट, लेवल 1 है यहाँ पर। जो दूसरा एक्सूट है वो है गाइस फियोरे एक्सूट, एंड ये काफ़ी फेवरेट एक्सूट है मेरा। लेवल 4 है तो और भी अच्छा है, इसका किलफीड काफ़ी अच्छा है फियोरे एक्सूट का। जो तीसरा एक्सूट है वो है यहाँ पर सिल्वेनस एक्सूट, लेवल 1 है। एवलांच एक्सूट भी है इस आईडी में, लेवल 1, एंड इस आईडी का सबसे बेस्ट एक्सूट अभी तक का जो कि है फैरो एक्सूट, लेवल 6। अब जो मैक्स फैरो है ना लेवल 7, वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो दिवाली की लाइटिंग लगा देते हैं ये लोग। देखो लेवल 6 एंड लेवल 7 जो डिफरेंस है ना, कम्प्लीटली डिफरेंट ही लगता है कैरेक्टर। सो लेवल 6 वाला ही काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी पसंद आया मुझे। प्लस इसका एक और अच्छी चीज़ है कि देखो ये वाला जो एंट्री इमोट है ना, ये आएगा अगर कोई बंदा मुझे इनवाइट भेजेगा और एंड मैं उसका एक्सेप्ट करूँगा तो लॉबी में ये वाला एंट्री इमोट आएगा। तो आप आते हैं अपने आउटफिट्स वाले सेक्शन में। तो सबसे पहला आउटफिट है साइकोफेट सेट, अल्टीमेट सेट है ये वाला। ब्लू मम्मी सूट भी इसको बहुत बंदे बुलाते हैं, ये वाला काफ़ी तगड़ा सेट है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे 5 एक्सूट्स है जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। तो आते हैं उसके बाद यहाँ पे वाइट मम्मी सेट भी तुमको इस साइड में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट सेट है ये वाला। तो ये है सीज़न 9 के आरपी वाला आउटफिट। एंड फिर ये वाला जो ब्लैक आउटफिट है वो भी काफ़ी यूनिक है, एंड बहुत सारे बंदों के पास ये नहीं है। तो सीज़न 11 एंड सीज़न 12 वाला आउटफिट भी है यहाँ पे, एंड उसके साथ ये गोल्डन ड्रेस भी है, काफ़ी अच्छा है ये वाला भी। तो सीज़न 14 वाला कमांडर सेट भी है हमारे पास, प्लस उसके साइड में जो येलो मम्मी सूट है ना वो भी है। मतलब इस साइड में हमारे पास टोटल है गाइस 3 मम्मी सूट। एंड यहाँ पे नीचे मोस्टली तुमको ना आरपी वाले आउटफिट्स देखने को मिलेंगे, मिथिक वाले, प्लस उसके बीच में थोड़े बहुत यूनिक आउटफिट्स है जो तुमको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो जैसे ये वाला जो ब्लू ड्रेस है ना, ये मैंने मिस्टर स्पाइक को पहनते हुए देखा है जब वो रैंक पुश करते थे। तो ये वाला जो वाइट ड्रेस है वो स्काइलिन गेमिंग का फेवरेट है, वो भी ये ड्रेस पहन के सोलो रैंक पुश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाला ड्रेस है ना, फेरी टेल सेट, ये भी काफ़ी ओल्ड आउटफिट है। एंड यहाँ पे सीज़न 5 वाला भी हमारे पास वाइट कलर का आउटफिट है। प्लस ये जो स्केयर क्रो वाला आउटफिट है, ये आउटफिट मैंने सबसे पहले ना किंग एनब्रू की वीडियोस में देखा था, जब वो रैंक पुश करते थे या तो गेम प्ले वीडियोस डालते थे सोलो वर्सेस स्क्वाड के। तो बस अभी ये वाला आउटफिट देखना। जब मैंने पहली बार ये आउटफिट देखा ना, मैं बोला भाई ये कौन सा आउटफिट है, ये क्या है, ये आउटफिट आया कब था गेम में मुझे तो याद नहीं, बट बहुत लाइक यूनिक है आउटफिट का सबसे। तो यहाँ पर एक और चिराग नाम के यूट्यूबर है जिनका चैनल का नेम है चिराग2OP। उनको तुमने ये ड्रेस पहनते हुए देखा रहेगा जब वो रैंक 1 पे पुश करते थे। तो देख लेते हैं अपने पास कितने कैरेक्टर्स अनलॉक है। सबसे पहले तो हमारे पास विक्टर है, सारा है, एंडी है, कार्लो है, एना है, इसके बाद इमिलिया भी है हमारे पास, फिर उसके बाद ये वाला कैरेक्टर भी है, फिर उसके बाद जो न्यू 3 कैरेक्टर्स आए ना वो अभी तक अनलॉक नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया बिकॉज यहाँ पे शर्ट एंड पैंट वाले सेक्शन में कुछ ज़्यादा था नहीं। तो आते अपने हेलमेट वाले सेक्शंस में। हेलमेट काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे हमारे पास है 4 मिथिक हेलमेट्स, जिसमें से कि फर्स्ट है इन्फर्नो राइडर हेलमेट, काफ़ी अच्छा है, मम्मी सूट के साथ काफ़ी ओपी लगता है। एंड दूसरा है इग्निस एक्सूट वाला हेलमेट, फिर गैलेट्री एक्सूट के साथ जो आया था वो हेलमेट है। एंड ये रहा गैलेक्टिक हेलमेट, ये भी काफ़ी पुराना रेयर स्किन है। एंड ये जो सीज़न 6 वाला हेलमेट है ना, ये मैंने सबसे पहले देखा था एग्जाम घासली वाली वीडियोस में, जब वो मॉन्टेजेस अपलोड करते थे 4 साल पहले। तो चलते गाइस अपने गन स्किन्स की तरफ द लैब में जाते हैं एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ओन्ड पे। ओन्ड पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास गाइस टोटल है 30 अपग्रेडेबल फिनिशेस, जिसमें से कि गाइस थोड़े जो फर्स्ट के जो 4 है वो आरपी के हैं तो उसको हम लोग थोड़ा स्किप कर देंगे। नीचे चलते हैं, यहाँ पे एएमआर की सबसे पहली स्किन आ चुकी है, लेवल 4 है एएमआर एंड उसके नीचे पैन है, लेवल 1 रहेगा पैन का शायद से, एंड फिर M249 की भी लेवल 1 स्किन है। ग्लेशियर यूएमपी है, यहाँ पे ग्लेशियर यूएमपी का जो रेड डॉट वाला अटैचमेंट है वो यहाँ पर अनलॉक हो रखा है। एंड नीचे एक और आरपी वाली यूएमपी है जो कि लेवल 1 है, फिर मैचेट का एक लेवल 1 स्किन है, बैरल का लेवल 4 है। बैरल के नीचे जो स्कारलेट है ना गाइस वो भी काफ़ी अच्छा स्किल फीड है, उसका भी वो भी लेवल 4 है। फिर यहाँ पे नीचे गाइस एक और यूएमपी का स्किन है लेवल 1, इसका किल फीड तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, लेवल 4 पे अच्छी दिखती है। एंड M249 एक और M249 स्किन है, ये दूसरा M249 का स्किन है जो कि लेवल 1 है। AKM हमारे पास 2 अपग्रेडेबल AKM की स्किन्स है, AKM ग्लेशियर है और ये वाली जैको लैंटर्न है लेवल 4। मैं मोस्टली यही यूज़ करूँगा बिकॉज इसके अटैचमेंट्स भी निकल रखे हैं, एक्सटेंडेड का प्लस इस पर रेड डॉट का भी अटैचमेंट है और सप्रेसर भी है। एंड फाइनली ये है हमारा ओजी द ग्लेशियर M4 ग्लेशियर। अभी तो यार बहुत बंदों के पास M4 ग्लेशियर हो चुकी है, मैक्स भी हो चुकी है, बहुत लोगों ने कर रखा है, बट यहाँ पर हमारे पास लेवल 5 ही है एंड मैं मोस्टली ना जो ये ट्राइडल M4 है ना वही यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहे कुछ थोड़े बहुत ओपी वाले इमोट्स जो मैं यहाँ पर करूँगा। Someone has been attacked the mark. Defend the mark. Form up on me. I need. तो नेक्स्ट वाला जो स्किन रहने वाला है वो रहने वाला है कूप का बुगाटी। ये वाली बुगाटी काफ़ी बेस्ट स्किन है इस आईडी का अभी तक का, बिकॉज ये ना स्पॉन आइलैंड पे आती है। जब अपन मैच में एंटर करते हैं तब स्पॉन आइलैंड पे पैराशूट से ये गाड़ी आएगी एंड सबको तुम्हारा नाम दिखेगा गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस कॉन्क्रीट फ्रेम्स देख लेते हैं कितने आईडी में एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, बस 1 2 3 4 5 कॉन्क्रीट फ्रेम्स है। एंड इस सीज़न वाला कॉन्क्रीट फ्रेम नहीं है जो कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा खेल नहीं रखा है। यहाँ पर मेरा अभी टायर चल रहा है क्राउन, मैंने बस 24 मैचेस खेल रखे हैं एंड बस 20 डेज बचे सीज़न को, मैं कॉन्क्रीट लगा दूंगा ईजिली सोलो में। तो एक और फ्रेम यहाँ पर एडेड हो जाएगा कलेक्शन में। तो यहाँ पे बाकी के सेटिंग्स भी मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये रहा हमारा सेंसी, तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। एंड अगर तुमको डायरेक्टली कोड चाहिए तो नीचे कमेंट्स में तुमको मिल जाएगा, पिन कमेंट चेक कर लेना। यहाँ वहाँ पर तुमको सेंसी कोड प्लस कंट्रोल कोड वो भी मैं यहाँ पर दे दूँगा। एंड यहाँ पर मैं तुमको आगे चल के ग्राफिक्स भी दिखाने वाला हूँ। तो ये रहे मेरे ग्राफिक्स, मेरा डिवाइस iPhone 15 Pro Max है, मैं खेलता हूँ स्मूथ एक्सट्रीम में। ये रहे मेरे नीचे के ग्राफिक्स जो है, ब्राइटनेस जो है ना वो मैं रखता हूँ 135। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था बंदे स्पॉट होते हैं इसलिए ब्राइटनेस कम रखा करो, इसलिए 135 रखा है। ऑडियो के सेटिंग्स ये रहे एंड जो एडवांस कंट्रोल्स है उसके भी सेटिंग्स तुमको आगे दिखेंगे। बाकी वो जो सेंसी का पार्ट था ना वो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अपना खुद से सेंसी बना लो। बाकी कंट्रोल्स तुम मेरे यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, 4 फिंगर क्लॉ अगर तुम खेलते हो तो। मेरे काफ़ी बेसिक से कंट्रोल्स है एंड काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे देखना सारे बटन्स जो है वो राइट साइड में, मैं दोनों फायर बटन यूज़ करता हूँ, लेफ्ट साइड वाला भी यूज़ करता हूँ एंड राइट वाला भी यूज़ करता हूँ। एंड अगर तुम जो राइट में जो बटन है ना उसको तुम अगर क्लोज ले लोगे ना, मतलब एडजस्ट कर लोगे ना, तो तुम यहाँ पे 2 फिंगर भी खेल सकते हो इस कंट्रोल से। एंड बस लेफ्ट वाला फायर बटन हटा के तुम इसको 3 फिंगर भी खेल सकते हो। सो मतलब मेरे कंट्रोल्स जो है वो काफ़ी ईजी है यहाँ पर अडेप्ट करने के लिए तुम्हारे लिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है 20 मिनट्स का। तो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। एंड सेंसी एंड कंट्रोल कोड तुम नीचे कमेंट से ले सकते हो। प्लस मैं तुमको मिलूँगा कल ऑन स्ट्रीम लाइव रैंक पुशिंग के साथ। बाय बाय।